रिटेंडरिंग मामले में भाजपा के मंत्रियों और नेताओं को जेल की हवा खानी पड़ेगी, यह कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भोपाल लोकसभा सीट के मीडिया प्रभारी माणक अग्रवाल का। अग्रवाल ने नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, यह छोटा मामला नहीं है, जिस तरह से छेड़छाड़ हुई है और जो गलतियां संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों ने की है, उस आधार पर ईओडब्ल्यू में मामले की जांच होने और यदि अपराध साबित होता है तो जेल की हवा तो खानी ही पड़ेगी। ई टेंडरिंग के मामले में ये मामला जैसे ही सामने आया था उस समय जांच कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनते से ही बैठा दी थी और उसमें उसी समय संदेह हो गया था कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, टेम्परिंग हुई है, 3,000 करोड़ रुपए का घोटाला ई टेंडरिंग में हुआ है और इसमें जो मगरमच्छ हैं जो अधिकारी हैं सब फंसने वाले हैं और उनके खिलाफ FIR हो गई है, उनको जल्दी जल्दी जेल की हवा खानी पड़ेगी।